पूर्वी चंपारण जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। जिले के डीएम ने शहर के चौक चौराहों पर घूमकर लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। उन्हें डीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए मास्क देकर पहनने की कहा और मौके पर डीएम ने कहा कि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सतर्कता ही संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय है। डीएम ने कोविड केयर सेंटर का भी जायजा लिया। इस दौरान मरीजों और परिजनों से भी बातचीत की। वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमारा मास्क एनफोर्समेंट करना है, साथ ही में 6 बजे के बाद जो दुकानों को इसेंशियल दुकानें छोड़ के सर्विसेज की उनको जो निगरानी रखनी है उनको क्लोज करना है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई हर सिटी का जो प्लांट है उसको देख के यहाँ पे आ रहा है। अभी कोविड केयर सेंटर पे भी हमको जाना है। बेसिकली एक व्यवहार परिवर्तन और सबको समझने की चीज़ है कि मास्क पहनना